हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका वाइस इंस्टीट्यूट में। आज हम 4 फरवरी की करंट अफेयर्स करने वाले हैं, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पहले FIH 5S पुरुष विश्व कप का खिताब किसने जीत लिया है? हु हैज़ वॉन द फर्स्ट FIH 5S मीन्स वर्ल्ड कप टाइटल? नीदरलैंड्स, ओमान, इंडिया या मलेशिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, नीदरलैंड्स। तो इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था वो किया था कि पहले FIH महिला विश्व कप को किसने जीता था, तो वो भी नीदरलैंड ने जीता था, पर वहां पर किसको हराया था? इंडिया को हराया था। इंडियन जो वुमेन की नीदरलैंड की जो टीम थी उसने इंडियन वुमेन टीम को हराया था। अब यहां पर पुरुष का जो विश्व कप हुआ है इसमें भी नीदरलैंड जीती है, और यहां पर किसको हराया है? यहां पर नीदरलैंड ने हराया है मलेशिया को। ठीक, तो ये याद रखना है आपको। दोनों जो वर्ल्ड कप हैं, FIH 5S का पुरुष विश्व कप और FIH 5S का महिला विश्व कप, दोनों नीदरलैंड जीते हैं, पर महिला में नीदरलैंड ने किसको हराया है? इंडिया को, और पुरुष में नीदरलैंड ने हराया है मलेशिया को। तो ये याद रखना है। और जान लेते हैं, मैंने बताया था ये महिला का जो विश्व कप हुआ था FIH का, वो कहाँ पर हुआ था? मस्कट ओमान में हुआ था, और इसका भी कहाँ पर हुआ है? मस्कट ओमान में हुआ है। ठीक, और बाकी का हमने देख लिया। अब कुछ हॉकी से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स देख लेते हैं। FIH हॉकी 5S वुमेन्स वर्ल्ड कप किसने जीता था? नीदरलैंड जीता था इंडिया को हराकर। कहाँ पर हुआ था? मस्कट में हुआ था, ओमान में। FIH 2023 बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला था? हार्दिक सिंह को मिला था। बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड किसको मिला था? सविता पुनिया को मिला था। एशियन गेम्स का 1900 संस्करण मेंस टीम ने इसमें क्या जीता था? गोल्ड को जीता था। तो जो एशियंस हुए थे हांगजो प्रांत में, चाइना में जो एशियन गेम्स हुए थे, तो उसमें जो हमारी पुरुष की जो टीम थी हॉकी वाली, उसने गोल्ड जीता था। FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 जो भारत में हुआ था उड़ीसा के अंदर, इसमें जर्मनी ने इस खिताब को जीता था बेल्जियम को हराकर। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन बन गए हैं? तो क्रैग फुल्टन बन गए हैं, जो कि कहाँ के हैं? साउथ अफ्रीका के हैं। रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम बदल के क्या कर दिया है? रानी रामपाल हॉकी स्टेडियम। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ पर बना है? तो ये उड़ीसा में बना है, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदल कर क्या कर दिया है? बलवीर सिंह सीनियर स्टेडियम। और देख लेते हैं इससे संबंधित जो कप हैं उनको देख लेते हैं, हॉकी से संबंधित कुछ कप और ट्रॉफी उनको देख लेते हैं। अजलान शाह कप, आगा खां कप, नेहरू कप, ध्यानचंद कप, रंगास्वामी कप, सिंधिया कप, रणजीत सिंह कप और बैटन कप और इंदिरा कप, इन सब का संबंध किससे है? हॉकी से। तो अब FIH की स्थापना कब हुई थी? तो FIH की स्थापना हुई थी 1924 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के अंदर है, ल्यूजेन में। इसके जो मुख्य यानी कि जो मुख्य सचिव हैं वो कौन है? मोहम्मद तैयब इकराम हैं। और भारत इसका सदस्य कब बना था? 1928 में इसका सदस्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 में जापान को पछाड़कर दुनिया का शीर्ष वाहन निर्यातक कौन सा देश बना है? हु बिकेम द वर्ल्ड टॉप व्हीकल एक्सपोर्टर बाय सरपासिंग जापान इन द ईयर 2023? यूएसए, इंडिया, चाइना या जर्मनी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, चाइना। तो चाइना ने हाल ही में जापान को पछाड़कर, चाइना जो है वो दुनिया का शीर्ष देश बन गया है जो वाहनों को निर्यात करता है। पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय किस स्थान में खोला जाएगा? इन विच प्लेस विल द फर्स्ट नेचुरोपैथी हॉस्पिटल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया बी ओपेंड? मिजोरम, असम, मणिपुर या अरुणाचल प्रदेश? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, असम। तो असम में खोला जा रहा है, असम के डिब्रूगढ़ में खोला जा रहा है पहला प्राकृतिक चिकित्सालय। और जान लेते हैं, द फर्स्ट नेचुरोपैथी हॉस्पिटल ऑफ नॉर्थ ईस्ट विल बी ओपन इन डिब्रूगढ़ असम। इट्स फाउंडेशन स्टोन हैज़ बीन लेड बाय आयुष मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल। तो जो आयुष मंत्रालय के जो मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। इट्स नेम विल बी सेंट्रल योगा नेचुरोपैथी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो जो असम में नेचुरोपैथी हॉस्पिटल खोला जा रहा है उसका नाम क्या होगा? सेंट्रल योगा नेचुरोपैथी रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये कहाँ पर बनाया गया है? 15 एकड़ ऑफ लैंड्स में इसको बनाया गया है।
और जान लेते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो चिकित्सा से संबंधित हैं, उसको देख लेते हैं। भारत के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो ये उत्तराखंड के रानीखेत में किया गया था। देश का पहला वानिकी विश्वविद्यालय यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर कहाँ खुलेगा? तो ये तेलंगाना में खुलेगा। भारत ने दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण किया, इसका नाम क्या है? आरोग्य मैत्री क्यूब, यानी कि पोर्टेबल अस्पताल है ये, मूवेबल है, ठीक है। WHO ने भारत में कहाँ पर एक वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र स्थापित किया? तो ये गुजरात के जामनगर में किया। कौन सा एम्स परिसर के अंदर फायर स्टेशन रखने वाला पहला भारतीय अस्पताल बना था? तो एम्स दिल्ली। सरकारी अस्पतालों में फ्री IVF सुविधा देने वाला देश का पहला कौन सा राज्य बना? तो ये बना था गोवा, ये याद रखना है आपको, गोवा बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड्स डे ऑफ 2024? वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग, वेटलैंड्स एक्शन, वेटलैंड्स एंड वाटर, वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। अब ये मनाया कब जाता है? ये मैंने तुम्हें बताया था, कल ही बताया था। वर्ल्ड वेटलैंड कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है 2024, मतलब। और कब से मनाते आ रहे हैं हम इसको? 1997, 2 फरवरी 1997 से हम इसको मनाते आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में उंगलई थेड़ी उंगल ओरल योजना शुरू की? इन विच स्टेट उंगलई थेड़ी उंगल ओरल स्कीम हैज बीन स्टार्टेड? तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तो उंगली थेड़ी उंगल और योजना कहाँ की है? तमिलनाडु की है। अब योजना की बात हुई है तो योजना के बारे में और जान लेते हैं। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना ये किसके द्वारा चालू की गई? उड़ीसा के द्वारा चालू की गई। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना ये मध्य प्रदेश के द्वारा चालू की गई। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना ये छत्तीसगढ़ के द्वारा चालू की गई एक योजना है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना ये बिहार के द्वारा संचालित एक योजना है। मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना ये असम की है। युवा मितान परिवहन योजना छत्तीसगढ़ की है। अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने एक श्रेष्ठ योजना की पहल शुरू की है। लेक लड़की योजना कहाँ की है? ये महाराष्ट्र की है। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना ये हिमाचल प्रदेश की है। तो ये कुछ योजनाएं, आपको इनको ध्यान में रखना है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन, इनके द्वारा एक इनकी ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है, इसका नाम है उंगलेल ओरुवन। बात करें यहाँ के गवर्नर की तो गवर्नर कौन है? R.N. रवि यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ का एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम मीनाक्षी मंदिर, जो कि तमिलनाडु के मदुरई शहर में है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो मिलकर जो तट है उसको हम तट को क्या नाम दिया गया? कोरोमंडल। और केरल के तट का नाम क्या है? मालाबार। यहाँ पर जो लोकसभा सीटें हैं वो कितनी हैं? 39, राज्यसभा की 18 सीटें हैं और विधानसभा की 234। यहाँ का राजकीय पशु कौन है? नीलगी ताड़, पक्षी एमरोल्ड डॉब, वृक्ष ताड़, और पुष्प कौन सा है? ग्लोरियसा लिली, यहाँ का पुष्प है राजकीय। यहाँ पर सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व देखने को मिल जाएगा। मधुमलई नेशनल पार्क है, गोंडई नेशनल पार्क है, अन्नामलई नेशनल पार्क है और मुखर्ती नेशनल पार्क है। यहाँ का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम। यहाँ पर हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट देखने को मिल जाते हैं, कोडनकुलम और कल्पक्कम, ये दो न्यूक्लियर पावर प्लांट देखने को मिल जाते हैं। तमिल शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भारतीय भाषा बनी है, यानी कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने वाला पहली भाषा बनी है तमिल भाषा। तमिलनाडु में ही जल्लीकट्टू त्यौहार मनाया जाता है और तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। अब किन रीसेंट न्यूज़ की वजह से तमिलनाडु न्यूज़ में रहा था वो देख लेते हैं। जनवरी 2024 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 6वां संस्करण कहाँ पर होगा? तमिलनाडु में होगा। और इसका शुभंकर किससे बनाया गया है? वीर मंगाई को बनाया गया है। किस राज्य का पहला तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बनेगा? तो तमिलनाडु का बनेगा। तमिलनाडु के कालेगनार महिला अधिकारी अनुदान योजना चालू की गई है। तमिलनाडु में कलगनार महिला अधिकारी अनुदान योजना चालू की गई है। पीयूष गोयल ने जो कि हमारे वाणिज्य मंत्री हैं, इन्होंने भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर की प्रतिमा का अनावरण किया है। और पहले फाइनेंस मिनिस्टर हमारे कौन थे? तो वो थे R.K. शणमुखम शेट्टी। तो इनकी हाल ही में प्रतिमा का अनावरण किया है तमिलनाडु में।
दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा अलवणीकरण प्लांट कहाँ बनेगा? तो ये तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में बनेगा। चेन्नई में भारत और दक्षिण का एशिया का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट बनने जा रहा है। चेन्नई में भारत और दक्षिण एशिया का, यानी कि भारत का और दक्षिण एशिया का भी नाइट स्ट्रीटिंग। 24 में किस राज्य में नारंगी उत्सव 2024 का आयोजन किया गया? नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। तो हाल ही में ऑरेंज फेस्टिवल यानी कि नारंगी उत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? नागालैंड में मनाया गया। अब बात नागालैंड की हुई है, देख लेते हैं नागालैंड के बारे में। नागालैंड, यहाँ की कैपिटल क्या है? कोहिमा। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो लागडिसन, सीएम है नेफ्यू रियो। अब त्यौहार की बात हुई तो त्यौहार देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला ये कहाँ पर लगता है? ये हरियाणा में लगता है और हर बार हरियाणा में ही लगता है। सरस मेला ये कहाँ पर है? ये कहाँ लगता है? ये जम्मू कश्मीर में लगता है। जम्मू कश्मीर के और त्यौहार देख लेते हैं। पहला सिंथन स्नो फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर में। लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर में। बंगस वैली फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर में। काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ मनाया गया? मुंबई में। झींगा मेला पंजाब में। लक्की मेला राजस्थान के सीकर जिले में लगाया जाता है। बोमचू उत्सव ये भी सिक्किम में मनाया जाता है, ये सिक्किम में मनाया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला ये कहाँ पर लगाया जाता है? दिल्ली में। इसको आहार मेला भी कहते हैं। फूल देवी त्यौहार ये कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में। मक्खन महोत्सव ये इसको कि अंडोरी भी कहते हैं, ये भी कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में। बतुकम्मा त्यौहार जिसको कि फूलों का त्यौहार कहते हैं, तेलंगाना में। घोड़े यात्रा यानी घोड़े यात्रा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक किस संस्थान में बनाया जा रहा है? इन विच इंस्टीट्यूट इज नॉर्थ इंडिया फर्स्ट ह्यूमन डीएनए बैंक बीइंग क्रिएटेड? बीएचयू, जेएनयू, आईआईटी इंदौर या आईआईटी कानपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बीएचयू, यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसके बारे में और जान लेते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू में भारत उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया जा रहा है। बीएचयू के जंतु विज्ञान विभाग के ज्ञानेश्वर लैब में ऑटोमेटेड डीएनए एक्सट्रैक्टर मशीन लगाई गई है। ये मशीन मेक इन इंडिया के तहत पूर्ण रूप से स्वदेशी है। ये मशीन किसी भी जैविक सामग्री जैसे कि खून, लार, बाल या फिर टिशू से डीएनए निकालने की क्षमता रखती है। इसके द्वारा हर व्यक्ति की मेडिकल हिस्ट्री का ब्यौरा एक ही क्लिक पर डॉक्टरों के सामने होगा। विवाह के दौरान ही आने वाली पीढ़ियों में होने वाले रोगों के बारे में ये आगाह कर सकता है, बता सकता है उसके बारे में। तो ये कुछ फ़ायदे होंगे इस डीएनए बैंकिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है? विच पेमेंट बैंक हैज़ बीन बैंड बाई आरबीआई? जियो पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक या अमेजन पेमेंट बैंक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पेटीएम पेमेंट बैंक। तो आप ये प्रतिबंध लगाए तो इसका मतलब क्या है? तो जैसे पेटीएम है, फोन पे है और भी गूगल पे वगैरह हैं, तो ऐसी एक ये पेटीएम कंपनी है। अब ये पेटीएम कंपनी देखो, फोन पे वगैरह और ये गूगल पे हैं, ये क्या करती हैं, ट्रांजेक्शन मोड को रखती हैं एक्टिव, जैसे कि ये आपके बैंक से किसी और बैंक में ट्रांसफ़र पैसा कर देती हैं। तो इनका काम तो यही होता है, बाकी के और जो पेमेंट मोड है उनका, यूपीआई का। बट इसके साथ साथ पेटीएम का एक और काम क्या था कि ये बैंकिंग सर्विसेज और देती थी, बैंकिंग सर्विसेज और देती थी। तो अब ये बैंकिंग सर्विसेज, अब इसका अधिकार जो क्षेत्र था उसको इससे छीन लिया गया है आरबीआई के द्वारा। अब ये बैंकिंग सर्विसेज वाले कोई काम नहीं कर पाएगी। होता क्या था कि पेटीएम बैंक में भी जो पेटीएम है इसमें खाता खुलवाया जा सकता था, अब वो सुविधा इसमें नहीं रहेगी आगे जाकर। अब जान लेते हैं पेटीएम के बारे में। पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? 28 नवंबर 2017 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय नोएडा में है। इसकी पेरेंट कंपनी कौन सी है? 197 कम्युनिकेशन इसकी पेरेंट कंपनी है और इसके जो संस्थापक थे वो थे विजय शेखर शर्मा। पेटीएम पेमेंट बैंक ही पहला ऐसा फीचर लेकर आया था, यूपीआई लाइट का फीचर लेकर आया था। ये पहला बैंक बना था जिसने यूपीआई लाइट फीचर चालू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट का आयोजन कहाँ पर कर रहा है? वेयर विल इंडियाज फर्स्ट बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट बी ऑर्गेनाइज? बंगलोर, मंगलोर,
मैसूर या कोची। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मंगलोर। तो मंगलोर में हो रहा है भारत का पहला बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट, जिसको इमर्ज नाम भी दिया गया है, इमर्ज नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 के अंतरिम बजट के अनुसार वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत रहा? अकॉर्डिंग टू द इंटरिम बजट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024-2025, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ फिस्कल डेफिसिट इन द ईयर 2023-2024? 4.5%, 4.2%, 6.1% या 5.8%? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 5.8%। तो अभी हाल ही में निर्मला सीतारमण जी ने अपना बजट पेश किया है, और ये इन्होंने कौन सी बार बजट पेश किया है, सिक्स टाइम, और ये ऐसा करने वाली दूसरी वित्त मंत्री बनी है। और पहली कौन थे, तो पहले थे मोरारजी देसाई, जिन्होंने कि 10 बार बजट को पेश किया था। तो इसी के साथ आज का हमारा जो करेंट अफेयर्स का सेशन है वो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी रेगुलर अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो जिससे कि आपको डेली करंट अफेयर्स की जो अपडेट है वो मिलती रहेगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।